हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी गैल्वेनिक शेल का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें, और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल में एक हाफ सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग जो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है और इस गैल्वेनिक सेल का हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनों की या तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने की टेंडेंसी होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो जैसे मान लें कि ये हमारे पास एक जिंक और कॉपर की सेल है जो सबसे कॉमन सेल है, तो जिंक और कॉपर की सेल में जिंक और कॉपर की अगर तुलना करें तो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पे कॉपर जो होता है वो कॉपर प्लस टू आयन टू इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, हम लोग जानते भी हैं कि ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। और जिंक इलेक्ट्रोड वाले हाफ सेल के अंदर क्या होता है, जिंक अपने से दो इलेक्ट्रॉन निकालता है और Zn प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोड के अंदर और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, उसी चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल सेटअप होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई ऑक्सीडेशन कहें तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ई रिडक्शन होगा। तो अगर हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, या इसी को सिंपली लिख सकते हैं ई आर माइनस ई एल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट होता है किसी भी सेल का, ये सेल पोटेंशियल जो होता है वो एक रिलेटिव पोटेंशियल होता है। तो अगर पर्टिकुलर एक हाफ सेल है, मान लो कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमें क्या करना है, हमें इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर कॉपर की हाफ सेल है यानी रिडक्शन हाफ सेल है और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है या इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसके आधार पर हम किसी भी हाफ सेल का एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया गया जो हाइड्रोजन का बना हुआ था, जिसमें प्लैटिनम वायर लगाई गई थी और एक प्लैटिनम की फाइल लगाई गई थी, तो उसी को SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया और जिसका रेफरेंस पोटेंशियल जो था वो जीरो माना गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने पर जो आया वो क्या आया, जीरो आया। तो उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी हाफ सेल के साथ जोड़ करके उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट
किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग एनोड की तरह से या फिर कैथोड की तरह से किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को हम लोग कहते हैं SHE या किसी को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो देखो इसमें एक हम लोग प्लैटिनम की वायर लेते हैं और एक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की फाइल इससे जोड़ देते हैं, फिर इसको ग्लास से जैकेटेड कर देते हैं। ये इस तरह से इसमें ग्लास लगा देते हैं, ये ग्लास से इसको जैकेटेड कर देते हैं, फिर ऊपर से एक और ग्लास लगा देते हैं और एक इनलेट लगाते हैं। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे और इसमें कोई भी प्रोटॉनिक एसिड भर देते हैं, कोई भी इसमें प्रोटॉनिक एसिड भर दी जाती है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड बनता है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है या SHE। यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस 1 bar प्रेशर पर। और ये क्या चीज होती है, कोई भी प्रोटोनिक एसिड, मान लेते हैं कि ये 1 m का HCl है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आकर के ये बबल होगी है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ बबलिंग होगी। तो यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। अब सवाल ये है कि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या कोई और भी इस्तेमाल किया जा सकता, और भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके साथ साथ हम लोग एक कैलोमेल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कैलोमेल जिसको हम लोग मरकरी मरकरी क्लोराइड कहते हैं, तो कैलोमेल का इलेक्ट्रोड भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि कैलोमेल का हाइड्रोजन कैलोमेल का जो इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो यूज किया जाता है। पहले इसको देखें कि हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्यों चूज किया गया। तो देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की और इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने की दोनों क्षमता पाई जाती है, दोनों टेंडेंसी होती है। यानी हाइड्रोजन कैन रिलीजेस इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन। तो अगर देखें तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों प्रक्रियाएं हाइड्रोजन शो कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अभी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज taken as zero, जो reference electrode potential है SHE का उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, zero मान लेते हैं। तो अब इस standard hydrogen electrode के द्वारा किसी भी half cell का electrode potential calculate किया जा सकता है, क्योंकि इस standard hydrogen electrode को हम cathode की तरह से भी use कर सकते हैं और इसको हम लोग anode की तरह से भी use कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग मेजर करते हैं जरा जिंक वाली हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा। तो जिंक की हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए कैथोड यूज करना पड़ता है। तो आइए इसके साथ हम लोग क्या करें, जिंक वाली सेल को जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं हमने लिया जिंक की हाफ सेल, ये जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ पे,
जिंक सल्फेट हमने भर दिया, इसके साथ हमने क्या लगाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या चीज है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम की रॉड है जिसपे एक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की फाइल बनी हुई है। इसको ग्लास ट्यूब से जैकेटेड कर देते हैं और इस ग्लास ट्यूब में एक इनलेट लगाते हैं जिसमें 1 bar प्रेशर की हाइड्रोजन गैस को बबल करना है। इस तरह से इसमें हमने 1 mm का HCl भर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, हाइड्रोजन गैस बबल कराएंगे। यहाँ यहाँ पे हमने क्या किया, साल्ट ब्रिज लगाया और अब इससे वायर एक निकाला और इसको वोल्ट मीटर से जोड़ा, इससे एक वायर निकाला और इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। जैसे ही हम लोग इसका स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमको जो पोटेंशियल मिलता है ये 0.76 वोल्ट मिलता है। याद रखने की चीज ये है कि ये आपका EL है और ये क्या है, ER है। हमें पता है कि E shell equal to कितना होता है, E shell equal to ER minus EL। हमने क्या बताया कि ER जो होगा always कैसा होगा, 0 होगा, और E shell हमको कितना मिला, 0.76 वोल्ट मिला। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.76 वोल्ट इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। अभी ई आर कितना है, 0, माइनस हमें क्या निकालना है, ई एल। तो माइनस ई एल दैट इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0.76 वोल्ट, या ई एल इक्वल टू हमको मिल गया माइनस 0.76 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, जिंक ऑफ सेल का, यानी जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रही है उस ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का। अब देखें इस सेल के अंदर क्या रिएक्शन होती है, इस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन क्या हो रही है, तो आप दो तरह से लिख सकते हो। देखो पहले तो ये कि Zn, Zn plus 2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, HIn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में, प्लैटिनम रहेगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो हमको तो हम लिख सकते हैं Zn plus 2HIn एरो Zn plus 2 plus हाइड्रोजन गैस। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अगर सेल नोटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस सेल के लिए सेल नोटेशन लिखने के लिए Zn plus 2 साल्ट ब्रिज, HIn 2 कितना, H2, इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लैटिनम। ये सेल नोटेशन। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हमने क्या किया, किसी भी सेल के एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब इसी मेथड के द्वारा हम लोग कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सिंपली अगर कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, अभी हमने बताया आपको कि ये एक प्लैटिनम की वायर होती है जिसपे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की एक फाइल लगी होती है। ये ग्लास में जैकेटेड होता है, ग्लास ट्यूब में जैकेटेड होता है और इस ग्लास ट्यूब में एक इनलेट लगाते हैं जिससे कि हाइड्रोजन गैस बबल करना है। ये इनलेट लगा देते हैं हाइड्रोजन गैस बबल करने के लिए और इसमें हम लोग भर देंगे क्या, HCl यानी प्रोटोनिक एसिड। दूसरी हाफ सेल, मान लो हमने ये कॉपर वाली हाफ सेल ली, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसमें भरेंगे कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये हो गई कॉपर रॉड, ये आपका SHE है, इसमें भरा हमने क्या, HCl, भर दिया HCl। अब हम क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ तक साल्ट ब्रिज लगा लें, यहाँ से वायर निकाले और इसको एक वोल्ट मीटर से जोड़ लेते हैं। ये हमने वोल्ट मीटर से जोड़ लिया। अगर इसका हम लोग देखते हैं, सेल स्टार्ट हुई तो देखते हैं कि सेल पोटेंशियल कितना मिला, तो 0.34 वोल्ट मिला। अब देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ये कैथोड होगा, ये क्या है, ये एनोड है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह से काम कर रहा है, एनोड की तरह से। सेल रिएक्शन क्या हो रही है, सेल रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है
वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2i टोकन और 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या कर रहा है Cu+2 इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। अब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है रिडक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है कि 2H+ Cu+2 एरो 2H आयन प्लस Cu, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। अभी अगर इसका सेल नोटेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं H से कन्वर्ट हो रहा है क्या H आयन, यहाँ पे प्लैटिनम रहेगा और इसके साथ साल्ट ब्रिज में के बाद क्या हो रहा है Cu+2 से Cu कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका सेल नोटेशन हो गया। अब अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, E cell equal to, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ER minus EL, ER हमें पता करना है और EL का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है जीरो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस पोटेंशियल होता है वो हम कितना मानते हैं जीरो। E cell हमें कितना मिला 0.34 वोल्ट, तो अगर आप देखो तो ER equal to 0.34 वोल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल में जो इन्वॉल्व हाफ सेल्स होती हैं उसमें किसी पर्टिकुलर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके कर सकते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, कैलोमेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसमें सैचुरेटेड कैलोमेल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि कहीं कहीं पे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिमिटेशन करेंगे कि क्या रीजन है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया जाता है। तो लिमिटेशन ऑफ एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या लिमिटेशन है। सबसे पहली चीज, इट इज It is difficult to maintain the pressure of hydrogen gas in SHE. सबसे पहला जो limitation है कि standard hydrogen electrode में जो हाइड्रोजन गैस की प्रेशर है वो 1 बार होनी चाहिए, इसका प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इस प्रेशर को हम जल्दी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये पॉइजन्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस ऑफ इंप्योरिटी। अगर मान लो कि इसके अंदर SHE को बनाने के समय में थोड़ी बहुत भी इंप्योरिटी रह गई तो ऐसे समय में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है वो पॉइजन्ड हो जाता है। तो दूसरी चीज कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गेट्स पॉइजन ड्यू टू द presence of traces of impurities के traces उपस्थित होने पर भी ये क्या होगा, poisoned हो जाएगा। poisoned हो जाने का मतलब क्या होता है, poisoned हो जाने का मतलब है कि इसका process जो है वो slow हो जाएगा, इसकी प्रक्रियाएं होंगी वो slow हो जाएंगी, तो ये reaction फ्लो होता है। दूसरी चीज,
कि अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द SHE. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में भी कठिनाइयां आती हैं. तो ये सारी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हर जगह पे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो इसलिए हम लोग एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं. तो टू शॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स वी कैन यूज सम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. कुछ सेकेंडरी हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, सच एज कैलोमेल इलेक्ट्रोड. जैसे कि एक कैलोमेल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाए. अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या लेते हैं, सैचुरेटेड कैलोमेल. मरकरी को ही कहते हैं, तो कैलोमेल में सैचुरेटेड कैलोमेल लेते हैं. कैलोमेल क्या रिएक्शन होगी, देखो Hg से Hg2Cl2 और ये रहेगा किसकी प्रेजेंस में, KCl सैचुरेटेड KCl की प्रेजेंस में. ऐसे में जो इसका हमको इनोड सेल मिलता है, ये 0.2415 वोल्ट मिलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन. दूसरी चीज जो होती है, अगर मान लो ये तो हमने लिया किस पे, सैचुरेटेड पे. दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि अगर हम लोग 1N कैलोमेल लें, नॉर्मेलिटी के आधार पे 1N अगर कैलोमेल लेते हैं, तो ऐसे में Hg से Hg2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ KCl सैचुरेटेड तो इसके लिए जो E नॉट सेल मिलता है, ये E नॉट सेल हमको कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 0.2800 वोल्ट. ये E नॉट सेल मिल जाता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इस तरह से अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, SHE को रिप्लेस कर देना है. उसकी जगह पे हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में कैलोमेल इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें मरकरी और मरकरी क्लोराइड होता है सैचुरेटेड KCl की प्रेजेंस में. तो ऐसे में हमको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका मिलता है 0.2415 वोल्ट मिलता है. लेकिन अगर कैलोमेल को हमने 1N कॉन्सेंट्रेशन पे लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.28 वोल्ट मिलेगा. तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके. और दूसरी चीज, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं यूज कर सकते हैं, तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जिनके द्वारा किसी भी गैल्वेनिक शेल में उपस्थित किसी भी हॉफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए. अभी SHE की डिस्कवरी हो जाने के बाद एक नई चीज सामने आई कि जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनका इलेक्ट्रोड बनाया जा सका, उनके सभी के रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए बाय यूजिंग SHE या कैलोमेल इलेक्ट्रोड. कैलोमेल इलेक्ट्रोड या फिर SHE का यूज करके क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट उपस्थित है इन सब का, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उनके बढ़ते हुए रिडक्टिव पोटेंशियल्स के क्रम में अरेंज किया गया. उससे एक नई चीज मिली जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया.
क्या कहा गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी अगर सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले जाएं, उनका हाफ सेल बना करके उसको SHE के साथ या फिर कैलोमेल इलेक्ट्रोड के साथ रख करके सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाएं और सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को किसके क्रम में, बढ़ते हुए रिडक्टिव पोटेंशियल्स के क्रम में अरेंज कर दिया जाए, तो उससे जो सीरीज मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी बारी है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या चीज, क्या चीज है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्टिव पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है, द अरेंजमेंट ऑफ elements in the order of increasing reduction electrode potential is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। तो क्या चीज है, अगर हम लोग सभी एलिमेंट्स को जो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो मॉडर्न कन्वेंशन है, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लिखते हैं, सभी एलिमेंट्स के जो पोटेंशियल्स हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, उनको उनके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखते हैं। तो सभी एलिमेंट्स के अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्रम में अरेंज कर दें, तो इससे जो सीरीज मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एक अरेंजमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एलिमेंट्स के जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे ऊपर होंगे, उससे नीचे उससे ज्यादा वाला, उससे नीचे उससे ज्यादा, उससे नीचे उससे ज्यादा, और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होता चला जाता है। तो एक चीज याद रखने की है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे उन सब का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने आते हैं उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स जो होंगे वो कम होंगे, हाइड्रोजन के नीचे जो आएंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो ऊपर जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे अगर उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स कम है तो उन एलिमेंट्स के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, लेकिन उसके नीचे जो आएंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उनके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडाइज होने की क्षमता बढ़ती जाती है और रिड्यूस होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है, कहां हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल करते हैं, क्या एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताती है हमको। तो सबसे पहली चीज जो हमको इससे पता चलता है क्या चीज है, देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहला यूज जो हम लोग इसका देखते हैं, क्या चीज देखते हैं कि टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट,
to calculate the relative strength of oxidizing and reducing agent. सबसे पहला यूज हम लोग ये करते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन ऐसा एलिमेंट्स है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर रिडक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस में कि जितने ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो रिड्यूस्ड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, मान लो कि जिंक है जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और कॉपर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो +0.34 वोल्ट है, तो अगर देखा जाए कि इन दोनों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जिंक की तुलना में कॉपर के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि जिंक के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडाइज होने की जब टेंडेंसी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जिसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो यही है कि टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी चीज क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करें, तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई सेल क्या होता है, ER माइनस EL और ER क्या है, ये कैथोड है, E कैथोड और ये क्या है, E एनोड। तो हमें ये भी पता है कि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, ये रिडक्शन वाला हाफ सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से, दूसरा जो एलिमेंट दिया हुआ है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएगा। इन दोनों के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को सबट्रैक्ट करके हम ई सेल या ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज तो ये हो गई कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होगा या सेल पोटेंशियल कितना होगा, सेल पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन, किसी भी सेल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को हम लोग इसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि सेल रिएक्शन जो हो रही है वो सही है या नहीं है, इस चीज के बारे में हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देखो किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो सेल
रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम लोग इसकी फिजिबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो अभी तक हम लोगों ने एक कॉमन सेल का यूज किया, जिंक और कॉपर सेल का यूज किया। अभी हम लोग एक यूज करते हैं सिल्वर और कॉपर सेल। सिल्वर कॉपर सेल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम जानेंगे, तो क्या रिएक्शन हो सकती है? दो रिएक्शन हो सकती है। सबसे पहला क्या कि Ag can release one electron and form Ag plus, और copper can gain two electron and form copper, यानी यहाँ पे oxidation होगा और यहाँ क्या होगा, reduction। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि copper electron निकाल सकता है और ये oxidize हो सकता है, और सिल्वर जो है ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और रिड्यूस हो सकता है। यानी यहां इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और इसका रिडक्शन हो सकता है। अब अगर इसके लिए हम लोग सेल रिएक्शन हमने लिख लिया, अगर हम लोग सेल नोटेशन लिखे तो क्या होगा, Ag Ag2 Ag plus salt then Cu plus 2 Cu, ये होगा। और इसके लिए अगर लिखे तो Cu2 Cu plus 2 salt then Ag plus 2 Ag, ये हो गया। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, क्या ये संभव है या ये संभव है, दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, कौन सी रिएक्शन शूट कर रही है और कौन सी नहीं। तो इन दोनों का हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख करके पता लगाते हैं कि E जो है वो Ag के लिए कितना है, 0.80 वोल्ट, और E जो है वो कॉपर के लिए कितना है, 0.34 वोल्ट। दोनों पॉजिटिव है, तो अगर ये सेल बन रही है तो E सेल जो होगा वो कितना हो जाएगा, E सेल इक्वल टू ER माइनस EL। यहाँ पे जो राइट साइड में सेल होगी वो किसकी होगी, राइट साइड में सेल किसकी होगी, राइट साइड में सेल कॉपर की होगी, क्योंकि रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कॉपर का अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.34 माइनस कितना, 0.80। क्या आपको वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, तो घटा लेते हैं इसको, 6 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, 0.-0.46 वोल्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे। दूसरे में देखते हैं, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो E सेल हमको कितना मिल जाएगा, E सेल इक्वल टू ER माइनस कितना, EL। R किसका है, राइट साइड में कौन होगा, सिल्वर। राइट साइड में कौन हो रहा है, सिल्वर हो रहा है, और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड वही होगा, तो ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है, तो राइट साइड में है 0.80 वोल्ट और लेफ्ट साइड में है 0.34 वोल्ट। E सेल हमको कितना मिल गया, E सेल हमको मिल गया 0.46 वोल्ट, ये पॉजिटिव है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिस सेल का सेल पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जिस सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस फिजिबल होगा। किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये प्रोसेस जो है वो सही नहीं है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है, जबकि ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। तो ये सेल ज्यादा सुटेबल है, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो मिल रहा है हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव, कौन सा प्रोसेस जो है वो फिजिबल है या कौन सा प्रोसेस जो है वो फिजिबल नहीं है। एक और चीज हम लोग इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से मेटल्स हैं विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड से। तो जितने भी ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो सब किसी भी एसिड से, जो प्रोटोनिक एसिड है उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल देख ले हम लोग,
तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो -0.76 वोल्ट है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -0.76, जबकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है। तो अगर मान लो कि हमने रिएक्शन करवाई कि Zn plus H2SO4, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है कि ZnSO4 plus H2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर यही जिंक की जगह पे कॉपर ले ले और H2SO4 से रिएक्ट कराएं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? नो रिएक्शन, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो एक चौथा जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि टू प्रिडिक्ट द एटम, टू प्रिडिक्ट द मेटल्स व्हिच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ प्रोटोनिक एसिड। हम लोग उन सभी मेटल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं किसी भी प्रोटोनिक एसिड से, जैसे HCl है, H2SO4 है, इन सब से। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके ये चार एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंस होती है, क्या रिलेशन होता है इनके ऊपर, और इन दोनों के रिलेशन से जो सेल पोटेंशियल होता है वो कैसे अफेक्टेड होता है, जिसको सबसे पहले नर्स्ट ने बताया था, और उसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को तैयार करिए, और फिर मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जो लोग इस लॉकडाउन में अपने घर पे हैं, कहीं भी कोई भी माध्यम नहीं मिल पा रहा है स्टडी के लिए, वो अपने घर पे रह करके स्टडी करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो जस्ट हम लोग अपलोड करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग इस सीरीज की सारी वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करने से आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और इसके साथ साथ आप अपने और साथ पढ़ने वाले लोगों को, जो जिनको कोई भी लिंक नहीं मिल पा रहा है स्टडी के लिए, घर पे फंसे हुए हैं, उनको ये शेयर करें, उनको बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, इस चैनल से जोड़ें। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रो।